गोहा खा के उसके फायदे गिनाते हुए एक डॉक्टर, इन्हों का नाम है मनोज मित्तल। हरियाणा के करनाल के रहने वाले इन्होंने डॉक्टर साहब का दावा है कि गां का तासा गोहा खाने के कई फायदे ने। पहले एक बार खुद डॉक्टर साहब न सुन लो। अगर गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी12 हमें रेडिएशन से बचाती है। आजकल मोबाइल का रेडिएशन, एसी का रेडिएशन, फ्रिज का रेडिएशन, इन रेडिएशन से बाल झड़ते हैं जल्दी, स्किन में झुर्रियां पड़ती हैं, काली झाइयां होती हैं और फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसके चांसेस बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, कब्ज की शिकायत तक हो सकती है। तो हमें रेडिएशन से बचाने के लिए अगर विटामिन बी12 हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है तो हम क्यों ना उसका उपयोग करें। दूसरी तरफ अगर एक डिलीवरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर ये गौमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो 9वें डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें तो इसका खुद अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। इना ही नहीं, गां दे गोहे तो कई बीमारियां दे ठीक होने का दावा भी इस डॉक्टर ने किया। डॉक्टर इसे तरह गोहा खाने दे अनेक फायदे दस रहे ने। डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे फायदे दसे जिवें कि हर मर्ज का इलाज गोहा ही है। डॉक्टर मनोज मित्तल करनाल च चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने, इन्हों का अपना हॉस्पिटल भी करनाल च है। डॉक्टर ने गोहा खाने दे कई तर्क दिते, पर दुनिया भर दे मेडिकल साइंटिस्ट इन्हां दावियां नूं अंधविश्वास नाल जोड़ के वेखते ने। गाय के गोबर का सेवन करने से तो उसे गाउट की दिक्कत नहीं होती, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का, तो उससे निजात मिलती है। बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते। फिर किसी को करंट लग जाए तो करंट लगने के बाद अगर जो सुन्न सा हो जाता है शरीर, जो एक तरह से कोमा सी में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकल आता है अगर गाय के गोबर का लेप किया जाए, उसे लाभ मिलता है। डॉक्टर दे गोहा खान दा ए वीडियो हुण सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रहा है, जिसते लोग तरह तरह दे कमेंट करके मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे ने। ट्विटर ते एक यूजर ने लिखिया, इस वीडियो दे सामने आने तो बाद मैनू इसी डिग्री चेक करन दी इच्छा हो रही है। मैनू लगा ये योगी श्री रामदेव दी संस्था दा आयुर्वेदिक वैद होवेगा, पर ये ता MBBS MD एलोपैथिक डॉक्टर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नू अपील है कि इसी डिग्री दी जांच कीती जाए। डॉक्टर ते इसे तरह दे कई कमेंट सामने आए। गोहा खाण नाल बीमारियां दूर होण या इस तरह दे फायदे होण दा कोई विज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोरोना काल दे दौरान गुजरात सने देश दे कुछ हिस्सों तो ऐसिया तस्वीरां सामने आईयां जिन्हां नूं देख के सब हैरान सन। लोग गां दे गोहे ते गौमूत्र नूं मिला के इस दा लेप पूरे शरीर ते लगा रहे सन, इस नाल नहाउंदे होए नजर आ रहे सन। उन्हां दा दावा सी कि अजिहा करन नाल गौमूत्र पीण नाल इम्यूनिटी एकदम वध जाएगी ते कोरोना उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर लोकां दे उन्हां दावियां नूं वड्डे डॉक्टर से सिरे तों खारिज कर दिता सी। उदों न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले तो आई खबर च इंडियन मेडिकल एसोसीएशन के प्रधान डॉक्टर JA Jailal ने कहा सी कि इसे कोई ठोस विज्ञानिक प्रमाण नहीं ने कि गोबर या गौमूत्र COVID-19 के खिलाफ इम्यूनिटी नूं वधाउण दा काम करदा है। ये पूरी तरीके नाल विश्वास ते आधारित है। अजिहा करना सेहत दे लई जोखिम भरिया कदम हो सकता है। दूजिया बीमारियां जानवरों के जरिए मनुखां च फैल सकदियां ने। वैसे भी गोहा खाण वाले डॉक्टर की प्रमाणिकता नूं लैके जद असी इंडियन मेडिकल एसोसीएशन सने दूजे डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले च कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता, क्योंकि बिना रिसर्च या विज्ञानिक प्रमाण दे ऐसिया चीज़ां नूं वधावा नहीं दिता जा सकता। हर दिन कई तरह दिया अजब गजब खबर आउंदियां ने। अजिही ही एक खबर भी जिस विच डॉक्टर ने गोहा खाण दे फायदे गिनाए। पंजाब तक इस तरह दे दावियां दी किसी तरह ना पुष्टि नहीं करदा।